अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ सीढ़ियां हैं। एक एक स्टेप पर पांव रखना कंपलसरी है। यदि किसी फ्लोर पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो एक एक सीढ़ियों पर पांव रखना होगा। यदि एक के बाद पांचवी सीढ़ी पर पांव रखोगे तो निश्चित गिरोगे, पक्का गिरोगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, योगा करने बैठ जाते हैं। योगा अपभ्रंश हो गया योग शब्द का, बोले क्या हो रहा है, योगा हो रहा है। योगा की क्लासेस चलती है ना, हम वहीं जा रहे हैं, योग है। अब योग में क्या होता है, यम का पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया, आसन पर बैठे नहीं, प्राणायाम किया नहीं ठीक से, सीधे आंखें बंद कर समाधि लगाना शुरू कर दिया, सीधे आंखें बंद करके समाधि में ध्यान में। जबकि ध्यान कौन सी स्टेज है, गिनती कीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ये सातवीं सीढ़ी है ध्यान। लेकिन हम पहली सीढ़ी पर पांव रखते नहीं और सीधे सातवीं सीढ़ी पर पांव रखना चाहते हैं, व्यर्थ हो जाएगा सब कुछ, गिरना निश्चित है। एक एक स्टेप पर पांव रखिए, इसी का नाम है अष्टांग योग पतंजलि का। आप लोग पूछेंगे महाराज हम कुछ समझे नहीं, यम क्या है नियम क्या है, शॉर्ट में कह देता हूं, सुनते जाओ। पांच यम है पांच नियम है, पांच यम कौन से हैं, बोले अहिंसा सत्यास्तेह परिचर्या परिग्रह यमा। अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का धारण करना, अपरिग्रह करना, ये यम है। पांच नियम कौन से हैं, शौच संतोष तपह स्वाध्यायीश्वर प्रणधानानि नियमा। शौच माने पवित्र रहना, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से मतलब कुछ खाएं पिएं, हस्त प्रक्षालन करें। अंदर से पवित्र, अपने अंतकरण को साफ एकदम, कोई छलावा ना हो, कोई कपट ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो। बाह्य शुद्धि और अंतकरण की शुद्धि, इसी का नाम है शौच। शौच तपह, तप करना, थोड़ा शरीर को तपाना, बैठना आसन पर, भजन करना, नित्य स्वाध्याय करना। कोई भी ग्रंथ ले लो, आजकल लोग घरों में लिटरेचर तो रखते हैं लेकिन नोबेल कॉमिक्स, लेकिन ये नियम नहीं बनाते कि लाओ दिन भर में 24 घंटे में 10 मिनट हम भागवत जी लेके बैठ जाएं, रामायण लेके बैठ जाएं, गीता जी लेके बैठ जाएं, किसी शास्त्र को लेके बैठ जाए। ये नियम है, प्रतिदिन डेली रूटीन में किसी सदग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए, स्वाध्याय अपेक्षित है, ये नियम होना चाहिए। नित्य भगवत चिंतन करना चाहिए, ये अष्टांग योग।